अवार्ड्स की शुरुआत थोड़ा जा असी ट्विस्ट लै रहे हैं क्योंकि साढ़े बहुत ही सत्कारयोग पद्म श्री पूरन चंद जी वडाली होर ने एक शो ते जाना है। सो सब तो पहला असी उन्होंने अवार्ड देवांगे। और मैं सिर्फ थोड़े लिए कहना चाहूंगी कि सूफी सूफी हर कोई आखे, सूफी सूफी हर कोई आखे कि सूफी बारे जाने, इस सूफी दे वणज बुरे ने के रोल ते ठेके ठाणे। बुल्ले तो पुछो सूफी की है, बुल्ले तो पुछो सूफी की है, जिनू पैगे पैरी घुंगरू पाणे, सूफी पढ़ना लिखना ते गाना आखा, सूफी पढ़ना लिखना ते गाना आखा, मुर्शद बाद मुर्शद इश्क बाद इस सारे काम नहीं आने। सो सब तो पहला सदा है जी गुरु की वडाली दे वड्डे सुपुत्र पूरन चंद वडाली साहब बारे कुछ भी कहना सूरज नू दीवा वखाण दे बराबर है। सूफी गायकी क्लासिकल गायकी विच होना दा स्थान सरताज दे बराबर है। पूरी दुनिया में चोना दी गायकी अपने अलग अंदाज बारे जानी जाती है। उन्हां बारे अगर मैं दस्सण लगा तां सदियां बीत जाणगियां। मां बोली संगीत सम्राट अवार्ड 2020 उन्हां वर्गी उसी हस्ती नूं दिंदे होया कि फखर ते मान महसूस करदे। लो जी तालियां उन्हां चिर वजदियां रहणियां चाहीदियां जिन्हां चिर साडे बहुत ही सत्कारयोग पूरन चंद जी वडाली जिन्हां नूं भारत सरकार ने सब तो वड्डा सन्मान। मैं वडाली साहब को बेनती करांगा कि वो अपना अवार्ड हासिल करने तो बाद इन सारे साढ़े ऑर्गेनाइजर्स आशीर्वाद के चंद अल्फाज जरूर कह के जान। माँ बोली अवार्ड्स जो सब तो पहला अवार्ड असी पद्म श्री पूरन चंद जी वडाली होरां नूं दे रहे हैं। वडाली साहब पट्टी साहब आ मान सम्मान बारे मैं कहने लगा कि बहुत कुछ ना कीता है, जितना दिया सरकार जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है उनका वरना मुझ में तो कोई ऐसी बात ही नहीं। क्या बात, कोई रंग पीला कोई रंग सावा किसी नूं गुलाबी करदा, भुल्ले शाह रंग मुर्शिद वाला किसी नूं चढ़दा। कुत्ते दी बात कीती किन्नी वफादारी करदा है तां फिर बुल्ले शाह कहिंदे ने बुल्लिया राती जागे तिने पीर सतावे ते रात नूं जागण कुत्ते तैं थी उत्ते। बुल्लिया रात तो सारी रात जागदा कहिंदा मैं बंदगी कीती, दिन दे पलक ते बह जांदा भी मैं पीर बन के बैठ जांदा, कुत्ते भी तेरे नाल सारी रात जागदे ने उह कुछ भी नहीं बणदे अपने आप ते मुखातब। बुल्ले ने कहा बुल्लिया राती जागे तेने पीर सदावे ते रात नूं जागण कुत्ते तैं थी उत्ते। राती भौंकणो बस ही नहीं करदे, दिने जा रड़ा विच सुते तैं थी उत्ते। फिर दर अपने दा मालक अपने मालक दा दर नहीं छड्डदे, पर पीर अपने दा
डर नहीं छड़दे भावें सौ सौ मान जुते तय थी उते उठ बुलिया चल पीर मना ले नहीं तो बाजी लै गए कुत्ते तय थी उते क्योंकि इन्होंने जो मां बोली दी ने गल की थी एक मां बोली एक जगह से मैं बहुत दूर मैंने तो शहर ही नहीं याद जिते चले गए स उथे पटियाले तो भी आए लोग गिद्धा कुड़ियों का सीगा भंगड़े वाले भी सन होर बड़े बड़े विद्वान सन तो सारियां नूं उथे उन्होंने स्कूल का प्रोग्राम से इतों जाके तो पंजाबी का उत्ते खोलिया से उन्होंने माँ बोली का सारियां नूं पुछिया सारियां नूं जवाब दिते गल्लां कीतियां बच्चियां ने अपनियां गल्लां दसियां गिद्धे वालियां भंगड़े वाले ने अपनियां दसियां तो मैं तो सारी उम्र स्कूल ही नहीं गया पहले मैं दिल में सोचा भी मैंने कोई गल पूछ रही मैं स्टेज तो मैं की सुनाऊंगा मैं पढ़ा जाके तो ओले होके खलो गया कि मैनू ना स्टेज पर लै जाने वो मैनू ना आके दो तीन जने उन्होंने अनाउंस कर दिता तो मैनू फड़ के स्टेज पर लै गए महाराज तुम भी बोलो कुछ मैं हूँ उसे की बोला मैं सोच ही पै गया इतने हूँ मैं इन्होंने की सुनावगा गल्ला तो सारिया ने अपनी अपने सुना दी भी माँ बोली बोलते ने चलो अच्छा मैं क्या देखो महाराज कि मैं आ गया तो हूँ थानू कुछ ना कुछ दसना तो पैना मैं कुछ कहना पऊगा तो मैं तो पहले स्कूल ही नहीं गया कि मैं इन्ना को ज्ञान या गल्ला जानना तो जो मैं गुरुआ को सीखी मैं तो वही सुनाऊनी कोई हाँ जी दसो मैं क्या पहलों तो मैं ये देखना एक धरती जी सा पं दरियावान की पीर फकीर पैगंबर औलिया कि उस धरती तो माँ बोली आके तुम इतने अपना अपना आप दिखा रहे हो बच्चे सिखा रहे हो एक बहुत ही बात मैं ये आई कहें ना कहूँ अब की ना तब की ना कहूँ अब की ना तब की अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह सुनत होती सब की औरंगजेब ने उन्हें की करना भी सवा मन पक्का जन्यू ला के पंडता दर मुसलमान करके फिर रोटी खाता आ के जो महाराज की गाड़ी फरियाद की वो कह लगे भाई किसी का तो हूँ प्रोग्राम एक बड़ा महान पुरश हो सर जा जाके दवे गुरु तेग बहादुर महाराज जी कह लगे तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा उस वे बाल अवस्था से कह लगे बाबा जी थोड़े न विद्वान तो योजा महापुरश कौन होएगा तुम जाओ उस वे महाराज जी आप दिल्ली में पहुंचे अज मैं थोड़ी जी वो गल मैं याद आई प्रिंसीपल भी जरा सी ना 82 साल का ही सी जिदा मेरी तो 82 साल की उम्र हो गई तो मैं उत्थे एक गल कही अज टाइम भी मैं क्या वो आ गया उस गुरु की बात सुना रहा हाँ उस गुरु की बात सुना रहा हाँ जिन्हें 5 परिवार तो वार दिते उस गुरु की बात सुना रहा हाँ जिन्हें 5 परिवार तो वार दिते और 5 रखे थे 5 नूं प्यार कीता अते 5 ही अंदरों मार दिते जदों मैं ये गल की फिर उन्होंने मैं दस्या मैं कहा 5 कई नहीं पता की कह गए ने मैं लेकिन वो बात थोड़ी जी दसना चाहना उन्होंने कहा मैं उस गुरु की बात सुना रहा जिन्हें 5 परिवार तो वार दिते 4 पुत वारे बाप नूं वार दिता तो परिवार किनू समझिया अज इन्हें पुछते तो कह देते भी अपना परिवार वार दिता माई जीता ने भी पूछा कि बच्चे कितने ने कह लगे जीता नूं कहा 4 मूवी तो क्या हुआ जीवन कहीं हर ये सारा संसार जिहड़ा मेरा पुत्र ही है ये मेरा पुत्र है मैं ये नहीं 5 वो मेरा संसार पुत्र था उस गुरु की बात सुना रहा जिन्हें 5 परिवार तो बार दिते ते 5 रखे ते 5 नूं प्यार कीता 5 ककार कंघा के कृपान कर किशन ते 5 प्यारियां नूं
पंज रखे ते पंजां नूं प्यार कीता अते पंजे ही अंदरों मार दित्ती। जदों इह बात मैं कही ते प्रिंसीपल जी कहण लगे मेरी 82 साल की उम्र हो गई है, ये मैं अज तक बात नहीं सी किसी को भी सुनी। सो इस वास्ते मैं जिहड़ा इन्होंने अपराधा किया अज बड़ा मेरा मन खुश आ। उंज तो तुसीं गल ते मां बोली दी भी कीती है पर उदो टाइम भी वाह वाह मैनूं रुकना ही पैना। मावां दे की दिल ते की कहिंदे, मां दा प्यार सी पुत नाल, सहक सहक तत्तड़ी ने एक रब का शुक्र गुजारिया। वह तत्ती वार ना पैन दिती पोते उत्ते, दुख उत्ते चले ते कलेजे अपने ठारिया, तोरिया ते रेड़िया दिनां दे महीने होए, महीनिया दे वरे होए, तोरिया ते रेड़िया खिलारिया, शगना ते दिन जदों आके नेड़े नेड़े टुके, होनी हुण आण के चन्न की जाड़िया। की एक दिन तुरे तुरे जांदे नूं सुंदर सी नार मिली, खिच के दगाड़ा खूनी नैना विच मारिया, बिट बिट वेखदा उस नार पुछया, तू सामने क्यों खलो रहा बेचारिया। कहिंदा सोहनी सूरत तेरी, काली जुल्फ तेरी, मोह लिया दिल मेरा, तन मन तेरे उत्तों वारिया। बोली मटियार सुन प्रेम दे बजारिया, तेतों मैं चाहनी हाँ एक इम्तिहान प्यारिया। कहिंदे की जे कढ के लियावे दिल अपनी तो मां दा, ता तेरे नाल करा प्यार नूं प्यारिया। कहिंदा खलो जा फिर, इन्नी गल सुन के भजा भजा कर गया, सुती पई मां दे कलेजे छुरा मारिया। कढ के दिल वो तिर पिया किहदी वल, उहदी वल जिहदे लई उसने कहर सी गुजारिया। प्यार दे प्रेम विच उच्चा नीवा थां वी ना सोचिया विचारिया, ठिड्डा लगा डिग पिया मूँह दे मूँह जमीन उत्ते, ते मुठ विचों मां दा दिल की पुकारिया। लख लख वारी जावां वे मैं सदके अंबड़ी दे, किते सट ते नहीं लगी मेरे बच्चिया प्यारिया। इस वास्ते मैं इन्हां दे उपराले दा ते जे लोहड़ी दा मुबारक दिन आया जी, बहुत वधा इहनू कैसे लोहड़ी दी, ये सारिआं नूं मुबारक है। क्योंकि जिस तरह खुशियां अगे मनाते सो हसदिया ही देने लंघन, नवे साल की भी तो लोहड़ी की भी, तो बहुत बहुत इन कहते 550 साल महाराज जी का जोड़ा वो भी, तो इन्होंने भी मैं इन्होंने बारे सारे लख लख बधाई दिना तो मुबारक दिना जी। मेरा साड़ी मीडिया टीम, अक्सर एक्शन रीप्ले कई बार करना पड़ता है। एम भी होया सी ना कहिंदा ना करे नीआं कालीआं कुड़ीए माही दे कर जांदियां, अज ते बड़ियां ही गल्लां सन चोरी चोरी समझा हुंदियां। एक बारी फोटो ले वाला